Hello, beautiful, beautiful seventh graders. I hope you all are safe. I hope your families are safe and आप सारे कोविड प्रिकॉशंस ले रहे होंगे और साथ साथ एग्जाम के लिए भी पढ़ रहे होंगे बिकॉज हाफ ईयरलीज आने वाले हैं राइट एंड वी हैव टू एस ऑल ऑफ दीज एग्जाम्स. तो हम एस कैसे करेंगे? कोर्स अन अकेडमी के थ्रू एस ऑल योर स्कूल एग्जाम्स विद अन अकेडमी. अन अकेडमी पे वेदर आपको क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना हो, वेदर इट्स साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे पढ़ सकते हैं. और पढ़ने के लिए क्या करना होगा? यू जस्ट हैव टू डाउनलोड द अन अकेडमी लर्नर्स ऐप एंड एनरोल योर सेल्फ टू एनी ऑफ द कोर्स ऑफ योर चॉइस. And do not forget to use my code PJAIN10 because अगर आप मेरा कोड यूज करते हो तो आपको सीधा सीधा 10% ऑफ मिलता है. जी हाँ, सीधा सीधा 10% डिस्काउंट कोई भी कोर्स, कोई भी क्लास. इनफैक्ट अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जैसे UPSC, UGC, NET, NEET, कोई भी एग्जाम, तो वो कोर्स भी आपको अन अकेडमी पे अवेलेबल है. सो स्टार्ट प्रेपिंग फॉर एनीथिंग, एनी कोर्स, एनी एग्जाम एट अन अकेडमी. अब अन अकेडमी पे आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? आपको एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम क्यों करें अन अकेडमी पे सब्सक्राइब. तो लेट मी टेल यू, अन अकेडमी पे अगर आप एक बार सब्सक्राइब करते हैं तो आपको विद इन वीक्स अपने रिजल्ट्स इंप्रूव होते हुए दिखेंगे. क्यों? क्योंकि अन अकेडमी पे होते हैं प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव टेस्ट, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस जहाँ पे आप एजुकेटर से रेगुलर बेसिस पे अपने अकेडमिक डाउट्स सारे पूछ सकते हैं, सारी क्वेरीज सॉल्व कर सकते हैं. आपको वीकली रिपोर्ट्स मिलेंगी कि कैसे आप हर वीक में परफॉर्म कर रहे हो, कैसे इम्प्रूव कर सकते हो. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, यू विल बी टॉट बाय द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया. यस, अन अकेडमी पे जो एजुकेटर्स होते हैं वो ना केवल इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स होते हैं, बट दीज एजुकेटर्स आर ऑल्सो वेरी हाईली क्वालिफाइड इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स. सो लर्न द बेस्ट एंड लर्न फ्रॉम द बेस्ट, क्योंकि नॉलेज इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट पावरफुल वेपन वन कैन हैव. तो हमें जो नॉलेज लेनी है वो बेस्ट लेनी है, और बेस्ट कैसे ले सकते हैं? अन अकेडमी के थ्रू. एंड Do not forget to use my code PJAIN10. आपको जिस भी कोर्स में एनरोल करना हो या कोई कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एनरोल करना हो, मेरा कोड हर जगह एप्लीकेबल है और जहाँ भी आप यूज करेंगे आपको सीधा सीधा 10% डिस्काउंट मिलेगा. Now let me tell you something about myself. अभी तक तो मैं अन अकेडमी के बारे में बता रही थी, बट अब मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊंगी. So my name is Pratiksha Jain and I'm one of the educators at An Academy. I teach social science to class 7th. I've completed my graduation from Delhi University and I did my Bachelor of Arts in Psychology. अब हम देखेंगे कि आज का जो हमारा चैप्टर है, that is chapter 7 of geography, human environment, settlement, transport and communication. ये क्या होता है, ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या होता है, ये तो हमने पहले के चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है. लेकिन अगर आपको नहीं पता एनवायरनमेंट क्या होता है, ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या होता है, तो प्लीज़ 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 जो मेरा वीडियो है चैप्टर 1 पे, प्लीज़ वो जाके देखिए सो दैट यू आर क्लियर कि ह्यूमन एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट क्या होता है. तो आज हम पढ़ेंगे सेटलमेंट्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन. ये सारे टर्म्स हमने पहले सुने हुए हैं, इट्स जस्ट दैट आज हम समझेंगे कि जो टर्म्स हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं इनका एक्चुअल मीनिंग क्या है, ये क्या होते हैं, किस टाइप के होते हैं, हम सब पढ़ेंगे. बट उससे पहले जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं दैट इज ज्योग्राफी, उसका मीनिंग क्या होता है. जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उन सबको पता है मैम क्या करती है और मैम आगे क्या करने वाली है, बट जितने भी हमारे नए व्यूअर्स हैं, लेट मी टेल देम कि हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उसका मीनिंग क्या होता है. सो व्हाट डज दिस टर्म ज्योग्राफी मीन? क्योंकि देखिए, मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगी, आप पढ़ लेंगे और एग्जाम भी पास कर लेंगे, वो भी अच्छे मार्क्स से, मुझे उसमें कोई डाउट नहीं है. बट
जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं या फिर जो जो चैप्टर जिस सब्जेक्ट का है, यानी कि जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं दैट इज ज्योग्राफी, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट का मीनिंग क्या है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है बच्चे चैप्टर पढ़ लेते हैं, बच्चों को चैप्टर की पूरी नॉलेज होती है, बट यू गाइस डोंट नो कि जो सब्जेक्ट आप लोग पढ़ रहे हो सब्जेक्ट का क्या मीनिंग है। तो पहले हम देखेंगे कि ये जो टर्म है ज्योग्राफी, इसका मीनिंग क्या होता है। सो ज्योग्राफी इज बेसिकली मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, इट डिराइव्स फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज। और ये दो ग्रीक वर्ड्स कौन से हैं, पहला है जियो, दूसरा है ग्राफी। ये वो हमारा टेलीफोन कंपनी वाला जियो नहीं है, दिस इज GEO रादर देन JIO। तो जियो का क्या मतलब होता है, जियो का ग्रीक लैंग्वेज में मतलब होता है अर्थ, और ग्राफी का ग्रीक लैंग्वेज में मतलब होता है राइटिंग। तो अगर मैं लिटरल टर्म्स में बात करूं तो जियो प्लस ग्राफी हो सकता है अर्थ के बारे में राइटिंग, यानी अर्थ का डिस्क्रिप्शन। बट अगर मैं ये दोनों वर्ड्स को जोड़ दूं और एक वर्ड बनाऊं दैट इज ज्योग्राफी, तो ये पूरे एक वर्ड जो कि ज्योग्राफी है इसका मतलब थोड़ा सा बदल जाता है। एंड ज्योग्राफी मीन्स स्टडी ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ के बारे में पढ़ाई, यानी कि अर्थ से रिलेटेड कुछ भी, वेदर कितने कॉन्टिनेंट हैं, ओशंस कितने हैं, या फिर अर्थ पे क्या वेजिटेशंस होती हैं, अर्थ की क्या लेयर्स होती हैं, एवरीथिंग रिलेटेड टू अर्थ, ए टू जेड अर्थ के बारे में अगर हम किसी सब्जेक्ट में पढ़ते हैं तो वो है ज्योग्राफी। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपनी ज्योग्राफी की बुक खोलोगे, आपको ये क्लिक होना चाहिए कि आज मैं अर्थ से रिलेटेड या अर्थ के जो फिनोमिनन्स होते हैं या नेचुरल जो चीज़ें हैं अर्थ पे या अर्थ से रिलेटेड कुछ भी, वो आज मैं पढ़ने वाला हूँ या पढ़ने वाली हूँ। तो ज्योग्राफी की बुक खोलते ही ज्योग्राफी का मीनिंग सबसे पहले हमें क्लिक होना चाहिए, एंड आई होप ज्योग्राफी का मीनिंग आप लोगों को एकदम क्लियर होगा। नाउ फाइनली वील स्टार्ट विद अर चैप्टर, और चैप्टर का एक टर्म था ह्यूमन एनवायरमेंट एंड सेटलमेंट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये पूरा चैप्टर था। तो पहले हम बात करेंगे सेटलमेंट्स की, क्योंकि आई एम अज्यूमिंग ह्यूमन एनवायरमेंट अब तक आपको पता होगा। बाय चांस आपको ह्यूमन एनवायरमेंट नहीं पता या याद नहीं आ रहा तो जाके मेरा पहले वाला वीडियो देखिए विच इज़ ऑन चैप्टर वन जो कि था एनवायरमेंट पे। वहाँ पे आई हैव एक्सप्लेन एनवायरमेंट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट बहुत डिटेल में, तो वो जाके आप देख सकते हैं। एंड नाउ आई विल स्टार्ट विद सेटलमेंट्स। सेटलमेंट्स क्या होते हैं, तो सेटलमेंट जितना भारी टर्म है उतनी ही इसकी इजी डेफिनेशन है, एंड दैट इज प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स, यानी कि वो जगह वो एरियाज जहाँ पे हम अपने घर बनाते हैं उन्हें कहते हैं सेटलमेंट्स। यानी कि आपकी जो कॉलोनी है वो एक टाइप की सेटलमेंट है। अब आपकी कॉलोनी में बहुत सारे घर हो सकते हैं या आपकी कॉलोनी में बहुत कम घर हो सकते हैं, या हो सकता है जहाँ आप रह रहे हो वहाँ पे सिर्फ आपका ही घर है और दूर दूर तक कोई घर नहीं है। ये सारे घर इररिस्पेक्टिव ऑफ ये किस जगह में बने हुए हैं हम इन्हें कहते हैं सेटलमेंट। सो सेटलमेंट बेसिकली वो एरिया है जहाँ पे भी लोग अपने घर बनाते हैं। अब अगर हम थोड़े पहले की बात करें, यानी कि पहले के ज़माने की बात करें, तो पहले के टाइम पे क्या था, लोग या तो पेड़ों पे ही रह जाते थे या फिर गुफाओं में रहते थे। अर्लियर ह्यूमन बींग्स यूज टू लिव आइदर ऑन ट्रीज और दे यूज टू लिव इन केव्स, बट धीरे धीरे टाइम बढ़ा, द टाइम प्रोग्रेस्ड एंड विद टाइम पीपल ऑल्सो प्रोग्रेस। तो क्या हुआ, पीपल स्टार्टेड ग्रोइंग क्रॉप्स, जहाँ जहाँ उन्होंने खेती बाड़ी करना शुरू की, क्रॉप्स को ग्रो करना शुरू किया, वहाँ पे थोड़े परमानेंट सेटलमेंट बहुत नेसेसरी हो गए। परमानेंट सेटलमेंट क्या होता है वो तो हम थोड़े ही देर में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आप ये समझो कि जहाँ जहाँ लोग खेती बाड़ी करने लगे, जहाँ जब वो क्रॉप्स ग्रो करने लगे, वहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट बनना नेसेसरी हो गया। और ये परमानेंट सेटलमेंट कहाँ बना, खेती बाड़ी कहाँ हुई, तो हमने पहले की क्लास में हिस्ट्री में पढ़ा था कि जहाँ पे पानी होता है वहाँ पे लोग अपने घर बनाते हैं, क्योंकि पानी अवेलेबल होगा तो एग्रीकल्चर भी बहुत इजीली हो जाएगा और लाइफ बहुत इजी बन जाती है, राइट। तो ये जो खेती बाड़ी होने लगी, जहाँ परमानेंट सेटलमेंट बनने लगे, वो कौन सा एरिया था, इट वॉज नियर रिवर।
पानी के आसपास जो जगह थी वहाँ पे ये सेटलमेंट्स होने लगे, क्योंकि जहाँ पानी अवेलेबल होता है वहाँ की जो सॉइल है, जो लैंड है, वो भी बहुत फर्टाइल होती है, बहुत रिच इन मिनरल्स होती है, इसलिए इन जगहों पे सेटलमेंट्स होने लगे। एंड फिर धीरे धीरे ट्रेड एंड कॉमर्स आया, यानी कि ट्रेड यानी एक जगह से दूसरे जगह तक सामान बेचना या खरीदना या भेजना, एंड कॉमर्स उसी का एक पार्ट है, ट्रांसपोर्ट भी जिसमें आ जाता है, कम्युनिकेशन आ जाता है, जो हम ऑफ कोर्स आगे पढ़ेंगे। तो ट्रेड एंड कॉमर्स भी धीरे धीरे डेवलप होता गया, और जैसे जैसे ट्रेड एंड कॉमर्स डेवलप होते गए, सेटलमेंट जो है वो और ज्यादा बड़े होने लगे, यानी कि जो बसावट है, जो लोगों के घर हैं, वो और ज्यादा बनने लगे। सो दैट्स बेसिकली सेटलमेंट क्या होता है, एंड सेटलमेंट कैसे कैसे धीरे धीरे विद टाइम डेवलप होता है। अब हम पढ़ेंगे कि कौन से टाइप के सेटलमेंट्स होते हैं। तो फर्स्ट टाइप ऑफ सेटलमेंट्स आर टेम्प्रेरी एंड परमानेंट। तो थोड़ा आइडिया तो आपको इन टर्म्स से लग ही गया होगा कि टेम्प्रेरी सेटलमेंट क्या होते हैं और परमानेंट सेटलमेंट क्या होते हैं, बट अब हम थोड़े डिटेल में और बात करेंगे। तो टेम्प्रेरी सेटलमेंट्स, एज द टर्म सजेस्ट, जो सेटलमेंट जो घर बहुत टेम्प्रेरी बेसिस पे हों या बहुत शॉर्ट टाइम के लिए जो बनाए गए हों, उन्हें कहते हैं टेम्प्रेरी सेटलमेंट्स, यानी कि सेटलमेंट्स ऑक्यूपाइड फॉर अ शॉर्ट टाइम, कम टाइम के लिए जो घर बनाए जाते हैं, जो टेम्प्रेरी घर बनाए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं टेम्प्रेरी सेटलमेंट्स। अब ये एग्जाम्पल्स देखते हैं, जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं यानी जंगल में रहते हैं, या कोई डेजर्ट में रहते हैं यानी कि रेगिस्तान में, या फिर माउंटेन्स में रहते हैं, उन जगहों को हम कहते हैं टेम्प्रेरी सेटलमेंट्स। और ये लोग किस टाइप की एक्टिविटीज करते हैं, तब जंगल में है या डेजर्ट में है तो ऑब्वियसली हंटिंग एंड गैदरिंग इसी टाइप की एक्टिविटीज होगी। तो ये जो लोग हैं ये परमानेंट सेटलमेंट्स यानी कि टेम्प्ररी घर में रहते हैं। और अगर आप फर्स्ट इमेज जो है इसको देखेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे टेंट लगे हुए हैं, ये पक्के हाउस नहीं है, ये कपड़े के हम कह सकते हैं मकान है, और ये टेंट बने हुए हैं, ये टेंट कहीं पे भी लग सकते हैं। मैं यहाँ से 1 किलोमीटर जाके भी अगर टेंट में रहना चाहूँ तो मैं वो अपना टेंट लगा सकती हूँ, ये टेम्प्रेरी सेटलमेंट्स होते हैं। अब अगर मैं परमानेंट सेटलमेंट की बात करूं तो परमानेंट सेटलमेंट का क्या होते हैं, एज द नेम सजेस्ट, लोगों के परमानेंट घर जहाँ पे वो बहुत ज्यादा टाइम के लिए रहते हैं, रादर देन शॉर्ट टाइम दे टेंड टू लिव फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और वहां पे वो परमानेंट तरीके से रहते हैं, तो उसको हम कहते हैं परमानेंट सेटलमेंट्स। हो सकता है जितने भी आप लोग हो, जितने भी मेरे व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं, 90% ऑफ आप 90% ऑफ द व्यूअर्स हो सकता है परमानेंट घर में रह रहे हो, दे डू नॉट शिफ्ट देयर हाउस वेरी फ्रीक्वेंटली। एक परमानेंट घर होगा आपका जहां आप रह रहे हो, और उसे कहते हैं हम परमानेंट सेटलमेंट्स। तो आई होप आपको टेम्प्रेरी और परमानेंट सेटलमेंट डिफरेंस तो क्लियर होगा। एंड अब हम एक और टाइप का सेटलमेंट पढ़ेंगे जो कि है रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट। तो रूरल जो एरिया होता है वो कौन सा एरिया होता है जहाँ पे जो लोग हैं वो प्राइमरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो। आपने पुरानी क्लासेस में प्राइमरी एक्टिविटीज भी पढ़ा होगा, प्राइमरी एक्टिविटीज यानी वो एक्टिविटीज जहाँ पे लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हो, या फिशिंग में इन्वॉल्व हो, या फॉरेस्ट से रिलेटेड कोई ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व हो, उसे हम कहते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज। एंड जहाँ पे लोग प्राइमरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं उन्हें कहते हैं हम रूरल सेटलमेंट्स। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब ये जो रूरल सेटलमेंट्स होते हैं ये दो टाइप के हो सकते हैं, कॉम्पैक्ट रूरल सेटलमेंट या फिर स्कैटर्ड रूरल सेटलमेंट्स। पहले हम पढ़ेंगे कॉम्पैक्ट रूरल सेटलमेंट्स। कॉम्पैक्ट रूरल सेटलमेंट्स क्या होते हैं, जहाँ पे भी जो घर है, जो रेजिडेंशियल एरिया है, अगर वो बहुत पास पास बने हो तो उन्हें हम कहते हैं कॉम्पैक्ट रूरल सेटलमेंट्स, यानी कि क्लोजली बिल्ड सेटलमेंट्स वेयर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल, यानी कि जो लैंड है वो बहुत फ्लैट होती है, बहुत चपटी होती है, एकदम प्लेन सरफेस, स्मूथ सरफेस होता है, और जो घर होते हैं वो बहुत ही पास पास बने हुए होते हैं। और अगर मैं स्कैटर्ड रूरल सेटलमेंट की बात करूँ तो रूरल सेटलमेंट का एकदम कॉम्पैक्ट सेटलमेंट का एकदम ऑपोजिट,
जहाँ पे घर बहुत दूर दूर होते हैं, जैसे एक घर अगर यहाँ है तो एकदम दूर जाके दूसरा घर होगा, जहाँ पे जो घर है एकदम स्कैटर्ड होते हैं। ड्वेलिंग्स आर स्पेस्ड ओवर एक्सटेंसिव एरिया। ड्वेलिंग्स का मतलब होता है रेजिडेंस, जहाँ पे रेजिडेंस एकदम स्प्रेड होके हो, एकदम पास पास नहीं हो, अच्छे से स्प्रेड हो, थोड़ी थोड़ी दूरियाँ पे जो घर होते हैं वो होती है स्कैटर्ड रूरल सेटलमेंट्स। ये रूरल सेटलमेंट्स में ही दोनों आते हैं, कॉम्पैक्ट एंड स्कैटर्ड। सो ड्वेलिंग्स विच आर क्लोजली बिल्ड रेसिडेंस आर कॉम्पैक्ट रूरल सेटलमेंट्स, एंड द ड्वेलिंग्स विच आर स्पेस्ड ओवर एक्सटेंसिव एरिया, बहुत बड़े एरिया में, उन्हें हम कहते हैं स्कैटर्ड रूरल सेटलमेंट्स। अब यहाँ पे दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट इज मोस्टली फाउंड इन हिली ट्रैक्ट्स, थिक फॉरेस्ट, या फिर ऐसे रीजन जहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट होते हैं। कौन से सेटलमेंट की हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं स्कैटर्ड रूरल सेटलमेंट की। ये कहाँ पे होते हैं? या तो ये हिल स्टेशंस पे या हिली एरियाज में होंगे, जहाँ पे घर बहुत दूर दूर होते हैं, एकदम पास पास, चिपके हुए नहीं होते, या फिर हो सकता है थिक फॉरेस्ट हो, या फिर ऐसे रीजन जहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट्स होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा गर्मी या फिर बहुत कम टेम्परेचर, यानी कि बहुत ठंड पड़ती है। तो ऐसे एरियाज पे होते हैं स्कैटर्ड रूरल सेटलमेंट्स। आई होप रूरल रूरल सेटलमेंट्स आपको क्लियर होगा। जो दो टाइप के रूरल सेटलमेंट्स होते हैं, यानी कि कॉम्पैक्ट एंड स्कैटर्ड, वो भी आपको क्लियर होंगे। अब हम बात करते हैं रूरल सेटलमेंट की, बट उससे पहले अब हम बात करेंगे अर्बन सेटलमेंट की, सॉरी, और उससे पहले लेकिन एक रूरल सेटलमेंट का एक छोटा सा पॉइंट और बचता है, और वो ये है कि जिस भी रूरल एरिया में लोग रह रहे हैं, जैसा भी वहाँ का एनवायरनमेंट है, उसके हिसाब से लोग अपने घर बनाते हैं। यानी कि अगर कुछ रूरल एरियाज में अगर बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल है, बहुत बारिश होती है, तो उन घरों के जो रूफ होते हैं वो स्लांटिंग होते हैं, यानी कि टेढ़े होते हैं। क्यों? ताकि जो पानी है वो रूफ पे इकट्ठा ना हो और नीचे की तरफ बह जाए। वहीं जहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है, यानी कि ऐसी जगह रूरल एरियाज में जहाँ पे बहुत हॉट क्लाइमेट होता है, वहां पे कैसे घर होते हैं? वहां पे थिक मड वॉल्ड हाउसेस होते हैं विथ थैच्ड रूफ। अब इसका क्या मतलब होता है? जो मड होती है, जो मिट्टी होती है, उसकी बहुत थिक दीवारें बनती है, बहुत मोटी दीवारें बनती है, थिक मड वॉल्स, और इनकी जो रूफ होती है ये थैच्ड रूफ होती है। थैच्ड यानी कि नेचुरल प्रोडक्ट से ही बनाई गई रूफ को हम कहते हैं थैच्ड रूफ। यानी कि हो सकता है जो सूखे हुए ब्रांचेस होते हैं ट्रीज के, या फिर जो सीख होती है, एक सीख झाड़ू भी होती है जो आपके घरों में शायद यूज होती हो, इन सब मटेरियल से जो रूफ बनती है उन्हें कहते हैं थैच्ड रूफ। यानी कि इनकी दीवारें जो होती है, जो चार दीवारें होती है घर की, ये बहुत थिक मिट्टी से बनाई गई होती है, और जो रूफ होती है वो नेचुरल प्रोडक्ट से बनाई गई होती है। इस टाइप के घर कहाँ होते हैं? उन रूरल एरियाज में जहाँ पे गर्मी जो है बहुत ज्यादा पड़ती है। सो आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर होगा कि जैसा एनवायरमेंट होता है उस टाइप के घर वहां पे लोग बनाते हैं। यानी कि जहाँ बहुत ज्यादा रेनी एनवायरनमेंट होता है, बहुत ज्यादा रेनी क्लाइमेट होता है, वहाँ पे लोग स्लांटिंग रूफ बनाते हैं अपने घरों की। जहाँ बहुत गर्मी होती है वहाँ पे लोग अपनी थिक वॉल्स बनाते हैं, ताकि जो धूप है वो घर के अंदर इतनी इजीली पेनिट्रेट ना हो सके, अंदर तक घुस ना सके, क्योंकि दीवारें मोटी होगी तो उतनी ही गर्मी घर के अंदर कम होगी। एंड जो रूफ होती है वो थैश रूफ होती है, यानी कि नेचुरल प्रोडक्ट से बनाई गई रूफ। अब हम बात करेंगे अर्बन सेटलमेंट्स की। अर्बन सेटलमेंट्स के अंदर आते हैं छोटे छोटे टाउन्स और सिटीज। यानी कि टाउन्स एंड सिटीज में जो बसावट है उन्हें हम कहते हैं अर्बन सेटलमेंट्स। मैं जिस सिटी में रहती हूँ यहाँ पे बहुत सारे घर होते हैं, और हो सकता है आप भी ये वीडियो किसी टाउन से, छोटे शहर से, या किसी कैपिटल, किसी स्टेट की कैपिटल से बड़े शहरों से ये वीडियो देख रहे होंगे। तो आपके जो घर है, जो आसपास की बसावट है, जो रेसिडेंस है, उसे हम कहेंगे अर्बन सेटलमेंट।
और अर्बन सेटलमेंट के यहाँ पे जो लोग होते हैं, जो यहाँ पे लोग रहते हैं, दे आर मेनली इन्वॉल्व इन सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटीज, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग या और भी किसी टाइप की सर्विसेज होती हैं, तो यहाँ के लोग इन टाइप के एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। सो आई होप अब तक आपको क्लियर होगा कि सेटलमेंट्स क्या होते हैं। हमने दो टाइप के सेटलमेंट्स अभी तक कवर किए हैं, टेम्प्ररी एंड परमानेंट सेटलमेंट एंड रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट। तो आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट की। हमारे चैप्टर में तीन टर्म्स थे, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो सेटलमेंट तो हम पढ़ चुके, कितने टाइप के सेटलमेंट्स होते हैं वो भी हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट की। ये भी बहुत बहुत कॉमन वर्ड है जो हम अक्सर सुनते हैं। अगर आप स्कूल जाते हैं तो कोई आपका कोई रिलेटिव बाहर से आता है, या आपकी कोई टीचर है, या कोई इवन आपके फ्रेंड्स हैं, वो आपसे पूछते होंगे तुम कैसे ट्रांसपोर्ट करती हो, तुम कैसे घर से स्कूल तक आते हो, तो उसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब है द वेज जिससे लोग या फिर कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल करता है, तो उसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट। द मीन्स बाय विच पीपल एंड गुड्स, गुड्स का मतलब होता है सामान। तो जिस तरह से लोग या फिर सामान एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल करते हैं, उसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट। तो हो सकता है आप अपने घर से स्कूल ऑटो में जाते हो, या बस में जाते हो, या आपका कोई पर्सनल व्हीकल होगा, या रिक्शे में जाते हो, तो ये सारे ट्रांसपोर्ट की मीन्स हैं। अगर आपका कोई बड़ा भाई बहन कॉलेज में पढ़ता हो और वो कोई दूसरे सिटी में हो सकता है वो एक सिटी से दूसरे सिटी कैसे ट्रैवल करते हो सकता है वो रेलवेज के थ्रू ट्रैवल करते हो, ट्रेन के थ्रू ट्रैवल करते हो, या वो बाय प्लेन जाते हो। सो दीज आर बेसिकली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब फिर से अगर हम पहले के टाइम की बात करें, तो पहले के ज़माने में लोग या तो एक जगह से दूसरी जगह चल के जाते थे, या फिर एनिमल्स के ऊपर जाते थे। अब इंडिया में जो एनिमल्स एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रैवल करने के लिए जो एनिमल्स यूज होते थे, वो थे बुलक यानी काउज एंड बफलोज, कैमल यूज होते थे, डोंकीज भी यूज होते थे एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए, हॉर्सेस यूज होते थे, एलिफेंट्स भी यूज होते थे। अगर मैं टिबेट की बात करूँ तो वहां पे एक एनिमल होता है याक, जिसके थ्रू लोग एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रैवल करते थे। अगर मैं एंडीज माउंटेन की बात करूं, जो कि है साउथ अमेरिका में ये माउंटेन्स आते हैं, तो वहां पे एक एनिमल होता है लामा, जिसके थ्रू लोग एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करते थे पुराने जमाने में। तो हर जगह के अलग अलग एनिमल्स, अलग अलग फौना होते हैं, और उसके अकॉर्डिंग लोग ट्रैवल करते थे। बट धीरे धीरे टाइम के साथ व्हील का इन्वेंशन हुआ। आज आप जितने भी व्हीकल्स देखते हो सब में व्हील होते हैं, एंड व्हील के थ्रू ही जो है कोई भी व्हीकल एक जगह से दूसरे जगह मूव करता है। तो ये जो व्हील का जो इन्वेंशन था, ये बहुत यूजफुल था, और इससे जो था ट्रांसपोर्ट बहुत इजी बन गया। एंड विद टाइम अब ट्रांसपोर्ट जो है बहुत और इजी और कंफर्टेबल होता जा रहा है। हम बहुत इजीली और कंफर्टेबली एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल कर सकते हैं, या एक जगह से दूसरे जगह तक सामान भेज सकते हैं। तो जिस इस पूरे प्रोसेस को द मीन्स बाय विच पीपल और गुड्स ट्रैवल और दे मूव, उसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट चार तरीके होते हैं। देर आर फोर मेजर एंड मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहला है रोडवेज। एज द नेम सजेस्ट, जब हम रोड्स के थ्रू ट्रैवल करते हैं तो वो रोडवेज है। रेलवेज, जब हम ट्रेन के थ्रू ट्रैवल करते हैं तो वो रेलवेज है। वाटरवेज, जब हम वाटर के थ्रू अपना वे बनाते हैं, वाटर के थ्रू जब हम एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचते हैं, तो वो ऑफकोर्स वाटरवेज है। एंड एयरवेज, एज द नेम सजेस्ट, व्हेन वी ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय द मीन्स ऑफ एयर, जब हम एयर के थ्रू ट्रैवल करते हैं तो उसे कहते हैं एयरवेज। ये जो चारों मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग है, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन। अब सो स्टार्टिंग विथ रोडवेज, जैसा कि मैंने बताया, व्हेन वी ट्रैवल थ्रू रोड्स उसको कहते हैं रोडवेज। अब हम रोड्स कब यूज करते हैं?
वी यूज रोड्स जब हमें बहुत शॉर्ट डिस्टेंसेस पे जाना हो सकता है आपको स्कूल से घर जाना हो, या घर से किसी दूसरे रिलेटिव के या किसी फ्रेंड के घर जाना हो, तो हम ऑफ कोर्स रोड का यूज करते हैं। वी यूज व्हीकल्स विच वी जो रोड्स पे ट्रैवल रोड्स पे यूज होते हैं वो व्हीकल्स, एंड व्हीकल्स के थ्रू हम रोड्स पे एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करते हैं। सो दैट इज रोड्स, एंड रोड्स आर पार्ट ऑफ रोडवेज। हो सकता है कोई पास में ही कोई टाउन हो, या कोई गांव हो, विलेज हो, या एक सिटी से दूसरे सिटी जो पास में हो, तब भी हम रोड्स के रोडवेज के थ्रू जा सकते हैं। हम सामान भी एक जगह से दूसरे जगह ट्रक में भर के, या छोटी जो लॉरीज होती हैं, टेम्पोस होते हैं, उसके थ्रू भी अपने जो गुड्स हैं वो एक जगह से दूसरे जगह भेज सकते हैं। अब जो प्लेन्स है, यानी कि जो फ्लैट सरफेस है अर्थ का, दे हैव अ वेरी डेंस नेटवर्क ऑफ रोड्स। आप जहां नजरें घुमाओगे वहां पे आपको सड़कें ही सड़कें दिखेंगी। बट सिर्फ प्लेन्स पे रोड्स नहीं है, विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आजकल जो एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है उसके साथ रोड्स जो हैं वो बहुत जो डिफिकल्ट टेरेन्स होते हैं, यानी कि डेजर्ट में, रेगिस्तान में भी आज रोड बनी हुई है, आज फॉरेस्ट में, आज जंगल में भी रोड्स हैं, आज जो हाई माउंटेन्स हैं वहाँ पे भी रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं लोग, और कंस्ट्रक्ट होती जा रही है। तो पहले के टाइम पे हो सकता है रोड जो है सिर्फ फ्लैट सरफेस पे बनती हो, बट आज जो है रोड्स बहुत डिफिकल्ट जो टेरेन्स होते हैं, बहुत जो डिफिकल्ट जगह है जैसे कि डेजर्ट, फॉरेस्ट या माउंटेन, वहाँ पे भी रोड्स बन रहे हैं। एंड दैट इज सोनली एंड सोनली बिकॉज ऑफ मॉडर्न एंड एडवांस टेक्नोलॉजी। अब हम अगर बात करें तो इंडिया में एक हाईवे है, मनाली टू ले हाईवे, जो कि हिमालयन माउंटेन्स में है। ये पूरे वर्ल्ड का हाईएस्ट रोडवे सिस्टम है। क्या मतलब? एक हाईवे है जो मनाली से ले तक पहुंचने के लिए, यानी मनाली को ले से कनेक्ट करता है, मनाली ले हाईवे जिसे कहते हैं। ये हिमालयन माउंटेन्स में है, ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रोडवेज है। यानी कि मनाली जो है वो एक हिल स्टेशन है, और ले जो है वो बहुत ज्यादा हाइट पे है। तो ये दोनों जो रीजन है बहुत ज्यादा एल्टीट्यूड पे है, बहुत ज्यादा हाइट पे है, और उसके कारण ये वर्ल्ड का हाईएस्ट रोड बेस है। यानी कि ये बहुत ज्यादा हाइट पे ये रोड्स बनी हुई हैं, और ये जो हाईवे है ये वर्ल्ड का हाईएस्ट रोडवेज सिस्टम है। तो आई होप अगर एग्जाम में आए कि वर्ल्ड का हाईएस्ट रोडवेज, या इवन कोई आपसे पूछे कि वर्ल्ड का हाईएस्ट रोडवेज कौन सा है, तो आपको एकदम आंसर देना है कि मनाली टू ले हाईवे जो है वो वर्ल्ड का हाईएस्ट रोडवेज है। अब दो टाइप की रोड्स होती है, मेटल रोड्स यानी पक्का रोड्स, या फिर अनमेटल रोड्स जिन्हें हम कहते हैं कच्चा रोड्स। अगर आप ये दो फोटोज देखेंगे तो ये जो फर्स्ट इमेज है, यहाँ पे जो रोड है एकदम स्मूथ है, कॉन्क्रीट की ये रोड बनी हुई है, मेटल रोड है, कोई इसमें गड्ढे नहीं है, एकदम कॉन्क्रीट की एकदम चौड़ी सपाट रोड बनी हुई है, इसे हम कहते हैं मेटल रोड, क्योंकि एकदम पक्की सड़क है। वहीं अगर हम दूसरी इमेज देखेंगे तो यहाँ पे जो रोड है, यहाँ पे जो रास्ता बना हुआ है वो मिट्टी का रास्ता है, वो सैंड से बना हुआ है। इट इज नॉट अ कॉन्क्रीट रोड, रादर इट इज अ सैंड सैंड रोड। यानी कि ये मिट्टी से जो बनी हुई रोड्स होती हैं, जो मिट्टी से बने हुए रास्ते होते हैं, उन्हें हम कहते हैं अनमेटल या फिर कच्चा रोड। तो आई होप ये दो टाइप की रोड्स भी आपको क्लियर होगी। अब हम बात करेंगे दो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं रोडवेज के, दैट इज सबवे या फिर अंडरपाथ और फ्लाईओवर। ये क्या होते हैं? सो फर्स्ट वील टॉक अबाउट सबवेज या फिर अंडरपाथ। तो अंडरपाथ या फिर सबवे, एज द नेम सजेस्ट, जो नॉर्मल एक पाथ होता है उसके जो अंडर से पाथ जाए, यानी कि अंडरग्राउंड रोड्स। दो फ्लैट सरफेस पे, यानी कि जो नॉर्मल सरफेस है उस पर रोड्स होंगी आसपास, और उसके अंदर से जो रोड जाए उसको हम कहते हैं अंडरग्राउंड रोड्स, या फिर हम कह सकते हैं सबवे या फिर अंडरपाथ। जैसे कि आपको एक फर्स्ट जो इमेज है उसमें भी दिख रहा होगा, दो रोड्स हैं आसपास, और उन दोनों रोड्स के बीच में से, उन दोनों रोड्स के नीचे से एक रोड जा रही है, इस टाइप की रोड्स को हम कहते हैं सबवेज या फिर अंडरपाथ।
वही एक और कंस्ट्रक्शन होता है, एक काइंड ऑफ रोडवे स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं फ्लाई ओवर्स। एज द नेम सजेस्ट, फ्लाई ओवर्स होते हैं ब्रिजेस। आई होप अगर आप सिटी में रहते हैं या इवन आजकल तो विलेजेस में भी बहुत सारे ब्रिज होते हैं, यानी कि आसपास रोड्स होती हैं एंड उसके ऊपर से कोई रोड जाए तो उसे हम कहते हैं फ्लाई ओवर्स। जो सेकेंड इमेज आप देख रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं कि जो नीचे रोड्स हैं और रोड्स के नीचे ऊपर एक ब्रिजेस बने हुए हैं, एक मेट्रो का ब्रिज बना हुआ है और एक नॉर्मल ब्रिज बना हुआ है जहाँ से गाड़ियाँ आ जा सकती हैं, तो इन्हें हम कहते हैं फ्लाईओवर्स। तो आई होप रोडवेज के बारे में, किस टाइप की रोड्स होती हैं, सबवेज क्या होते हैं, फ्लाईओवर्स क्या होते हैं, वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो रोड सिस्टम है जो कि इंडिया में है उसका क्या नाम है, ये सब आपको क्लियर होगा। अब हम बात करेंगे रेलवेज की। आई एम श्योर आप ट्रेन में तो बैठे ही होंगे। ट्रेन जो कि लोगों को एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रैवल करवाती है, या फिर एक जगह से दूसरे जगह तक अगर हम भारी सामान यानी कि हैवी गुड्स भेज सकते हैं तो कैसे भेज सकते हैं हम, रेलवेज के थ्रू। रेलवेज, अब आप कंफ्यूज होंगे कि ट्रैवल हम एक जगह से दूसरे जगह तो रोड के थ्रू भी करते हैं, तो हाउ आर रेलवेज डिफरेंट फ्रॉम रोडवेज। तो लेट मी टेल यू, रेलवेज जब हमारा डिस्टेंस बहुत लंबा होता है, व्हेन वी आर ट्रैवलिंग ऑन अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, या फिर व्हेन वी आर सेंडिंग सम गुड्स फ्रॉम वन डिस्टेंस टू अनदर डिस्टेंस, एंड व्हेन दिस डिस्टेंस इज वेरी लॉन्ग, तो तब वी यूज रेलवेज। तब हम ट्रेन के थ्रू जो अपना सामान है एक जगह से दूसरे जगह तक भेजते हैं, या फिर हम एक जगह से दूसरे जगह तक खुद ट्रैवल करते हैं, व्हेन द डिस्टेंसेस आर वेरी लॉन्ग। और रेलवे जो है वो बहुत जल्दी हमें एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचा देता है, एंड इट इज़ वेरी चीप। ये बहुत सस्ता मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। तो जब भी अगर कोई कहे आपको लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रैवल करना हो, या कोई बहुत हैवी गुड्स यानी कि भारी वजन आपको एक जगह से दूसरे जगह तक भेजना हो, क्विक एंड चीपली भेजना हो, देन वी यूज रेलवेज। अब हम देखेंगे ये रेलवेज का डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो सबसे पहले आया स्टीम इंजन। स्टीम इंजन यानी कि जो कोयले और भाप से जो इंजन चलता था, जो स्टीम के थ्रू जो इंजन चलता था, वो इन्वेंट हुआ। फिर धीरे धीरे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने लगा 19th and 20th century में। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी बहुत सारी इंडस्ट्रीज जगह जगह पर इस्टेब्लिश होने लगी। अब जो इंडस्ट्रीज में जो रॉ मटेरियल यूज होता है या इंडस्ट्रीज में जो मशीनरी यूज होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह तक तो लानी पड़ेगी ना। जरूरी थोड़ी ना अगर कोई इंडस्ट्री जमशेदपुर में इस्टेब्लिश हो रही है या कोई इंडस्ट्री बॉम्बे में इस्टेब्लिश हो रही है, तो जरूरी थोड़ी ना कि जो रॉ मटेरियल्स है, जो मशीनरी है, वो इन जगहों पर अवेलेबल होगी। तो ऑफकोर्स दूसरी जगहों से जो रॉ मटेरियल्स हैं, जो मटेरियल्स हैं इंडस्ट्रीज के लिए, वो ट्रैवल होने लगे और उसके थ्रू जो रेलवेज का जो नेटवर्क है वो ग्रो होने लगा। क्यों? क्योंकि ये सारी जो मशीनरी थी या जो रॉ मटेरियल चाहिए थे, ये बहुत हैवी होते थे और इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता था ट्रेन्स के थ्रू, रेलवेज के थ्रू। तो दैट्स हाउ रेलवेज डेवलप होती गई पूरे वर्ल्ड में। सबसे पहले आया स्टीम इंजन, स्टीम इंजन के साथ साथ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। तो इन दोनों चीज़ों के कारण, इन दोनों इन्वेंशन और इन दोनों इन्वेंशन और रेवोल्यूशन के कारण जो है रेलवेज डेवलप होता गया। और डेवलप होते होते आज रेलवेज इतना डेवलप हो गया है कि आज रेलवे के जो इंजन्स हैं वो स्टीम पे नहीं चलते हैं, वो डीजल से चलते हैं, पेट्रोल से चलते हैं, या फिर वो इलेक्ट्रिक इंजन्स होते हैं, बिजली से चलते हैं। सो दैट्स हाउ विद टाइम रेलवेज हैज डेवलप्ड। और अब और एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, और इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है कि जो बहुत इनएक्सेसिबल एरियाज थे या जो बहुत डिफिकल्ट टेरेन्स है, जैसे कि बहुत हाई माउंटेन्स या फिर डेजर्ट्स हो गए, आज यहाँ पे भी रेलवे लाइन्स हैं, रेलवे लाइन्स यहाँ पे भी कंस्ट्रक्ट हो रही है, ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। और एडवांस टेक्नोलॉजी के कारण ही आज एक नई टाइप की ट्रेन्स आ रही हैं, दैट इज सुपर फास्ट ट्रेन्स।
सुपर फास्ट ट्रेन्स चल रही हैं जो बहुत हाई स्पीड पे चलती हैं और बहुत जल्दी एक जगह से दूसरी जगह हमें ट्रैवल या ट्रांसपोर्ट कर सकती है, या जब कभी हमें बहुत इमरजेंसी में कोई बहुत सामान एक जगह से दूसरी जगह तक भेजना हो तो हम सुपर फास्ट ट्रेन्स के थ्रू भेज सकते हैं। एज द नेम सजेस्ट, सुपर फास्ट, बहुत जल्दी ये ट्रेन्स ट्रैवल करती हैं और डिस्टेंस को कवर करती हैं। अब हम अगर बात करें इंडियन रेलवे की, तो इंडियन रेलवे का जो नेटवर्क है, यानी कि जितनी जगह पे आज इंडिया में ट्रेन चल रही हैं और बहुत इनएक्सेसिबल और जो रिमोट एरियाज हैं वो भी आज रेलवे के थ्रू कनेक्टेड है, तो इंडिया का जो रेलवे सिस्टम है, जो इंडियन रेलवे नेटवर्क है, वो इतना बड़ा है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक रेलवे फैला हुआ है, वेस्ट से लेके ईस्ट तक एकदम, आप मान लीजिए जैसलमेर से लेके या जो थार डेजर्ट है वहाँ से लेके एकदम आसाम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड तक जो है ट्रेनें चलती हैं, जिसके कारण जो इंडियन रेलवे सिस्टम है वो लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम है पूरे एशिया में। जो हमारा कॉन्टिनेंट है ना एशिया, उसमें इंडियन रेलवे सिस्टम सबसे लार्जेस्ट है। यानी कि इंडिया में जितनी ट्रेन चलती है पूरे एशिया में इतना बड़ा नेटवर्क ट्रेन्स का नहीं है। सो आई होप रेलवे भी आपको क्लियर होगा। अभी तक हमने सेटलमेंट पढ़ लिया, कितने टाइप के सेटलमेंट है वो पढ़ लिया, हमने ट्रांसपोर्ट समझ लिया, ट्रांसपोर्ट क्या होता है, चार टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं जिसमें से दो ट्रांसपोर्ट मोड्स हमने अभी तक पढ़ लिए, कौन कौन से, रोडवेज एंड रेलवेज। अब हम पढ़ेंगे वाटरवेज। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, वाटरवेज यानी कि जब हम वाटर के थ्रू ट्रैवल करते हैं, पानी के थ्रू ट्रैवल करते हैं, तो उसे हम कहते हैं वाटरवेज। इट इज द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस में कोई भारी सामान या बहुत सारा सामान भेजना हो, देन आप वाटरवेज के थ्रू भेज सकते हैं। इट इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ये चीपेस्ट क्यों है? क्योंकि भाई पानी पे ट्रैवल कर रहे हैं तो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई फ्यूल की तो हमें जरूरत नहीं है कि भाई आपको पेट्रोल की जरूरत हो या डीजल की जरूरत हो। अगर आप पानी पे ट्रैवल कर रहे हो तो वाटर विल डू इट्स वर्क, वाटर विल हेल्प अस ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो एज सच कोई फ्यूल की जरूरत नहीं होती, इसलिए ये चीपेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। एंड इट इज बेस्ट फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। अब वाटरवेज दो तरीके हो सकते हैं, इनलैंड वाटरवेज या फिर सी एंड ओशनिक रूट्स। इनलैंड वाटरवेज की हम पहले करेंगे बात। इनलैंड यानी कि एज द नेम सजेस्ट, जो हमारी जो लैंड है, जो हमारी कंट्री है, उसके अगर कोई उसके अंदर कोई रिवर है या कोई ऐसा अच्छा बड़ा लेक है जिसके थ्रू आप एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रैवल कर सकते हो, तो दैट इज नोन एज इनलैंड वाटरवेज। इनलैंड वाटरवेज में क्या आते हैं? रिवर्स एंड लेक्स आते हैं किसी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर। एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम आर इनलैंड वाटरवेज फॉर इंडिया। यानी कि अगर मैं कहूँ ऋषिकेश हरिद्वार से गंगा के थ्रू किसी को अपना कोई सामान भेजना हो, या किसी को कोई इंडस्ट्री को ऋषिकेश से कोई मटेरियल चाहिए हो, और मान लीजिए वो इंडस्ट्री है कोलकाता में, तो अब वो कैसे अपना सामान भेज सकती है? वो वाटर वेज के थ्रू, यानी गंगा जो ऋषिकेश हरिद्वार से बहते बहते जो बंगाल तक पहुँच रही है, उस इनलैंड वाटर वेज के थ्रू सामान भेज सकते हैं। वैसे ही अगर नॉर्थ अमेरिका की बात करूँ तो वहाँ पे जो ग्रेट लेक्स हैं दैट आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग हैवी एंड बल्की गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एंड अगर अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर होती है, नाइल रिवर, जिसके थ्रू जो है अफ्रीका के लोग एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजते हैं। इंडस्ट्रीज का सामान हो सकता है, बहुत हैवी सामान होता है, और बहुत सारा सामान जब हमें भेजना होता है कम वाटरवेज का यूज करते हैं। और इनलैंड वाटरवेज होते हैं वो वाटरवेज जो किसी पर्टिकुलर कंट्री या किसी पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट के जो अंदर जो नदियां हैं और जो नदियां इन सामानों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज हो रही हैं, उन्हें हम कहते हैं इनलैंड वाटरवेज। अब दूसरे टाइप के वाटरवेज होते हैं
सी एंड ओशनिक रूट्स। तो अभी हमने पढ़ा जब हमें कोई सामान अपने ही कंट्री के अंदर या अपने ही कॉन्टिनेंट के अंदर एक जगह से दूसरे जगह तक भेजना होता है तो हम इनलैंड वाटरवेज का यूज कर लेते हैं। बट अगर अब मैं कहूँ कि हमें जो सामान है एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक भेजना है या एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक भेजना है, तब ऐसे टाइम पे हम कौन से वाटरवेज का यूज करते हैं? तो हम सी एंड ओशनिक रूट्स का यूज करते हैं, यानी कि समुद्र और ओशन के जो रूट्स है, ओशन का जो वाटर है उसका हम यूज करते हैं। ट्रांसपोर्टिंग मर्चेंडाइज एंड गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इज सी एंड ओशनिक रूट्स का हम तब यूज करते हैं। ये जो रूट्स होते हैं ये पोर्ट से कनेक्टेड होते हैं। पोर्ट्स यानी वो जगह जहाँ से ये जो शिप है या फिर जो जहाज है, ये जिन जगहों से स्टार्ट होके दूसरे कंट्री तक पहुँचते हैं, जिन जगहों पे ये लोग जिन जगहों से ये लोग जाते हैं और जिन जगहों पे जाके रुकते हैं, उन जगहों को हम कहते हैं पोर्ट्स। और अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द ग्लोब बहुत सारे इम्पोर्टेंट पोर्ट्स हैं। हर कॉन्टिनेंट के पोर्ट्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इम्पोर्टेंट पोर्ट्स में हर कॉन्टिनेंट के बहुत सारे इम्पोर्टेंट पोर्ट्स होते हैं। आपकी बुक में बहुत सारे ऐसे पोर्ट्स के नाम दे रखे हैं, मैंने यहाँ पे सिर्फ हर कॉन्टिनेंट का एक पोर्ट का नाम लिया है। अगर आपको और ज़्यादा पोर्ट्स के नाम याद करने हैं, उनको नेम्स याद करने हैं, तो यू कैन रेफर योर एनसीईआरटी बुक, बट यहाँ पे मैंने हर कॉन्टिनेंट का एक ही पोर्ट लिया है। सो एशिया का जो इम्पोर्टेंट पोर्ट है दैट इज मुंबई। नॉर्थ अमेरिका की अगर हम बात करें तो न्यूयॉर्क इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट। रियो डी जेनेरियो दैट इज इन साउथ अमेरिका, वो साउथ अमेरिका का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है। अफ्रीका में केप टाउन है, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी है, यूरोप में लंदन है। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं। इन जगहों पे दूसरी कंट्रीज से शिप आती है और इन जगहों से दूसरी कंट्री के लिए जो शिप्स है वो जाती हैं। दैट्स वॉट पोर्ट मीन्स। सो आई होप वाटरवेज और जो दो टाइप के वाटरवेज होते हैं, इनलैंड वाटरवेज एंड ओशन सी एंड ओशनिक रूट्स, ये आपको क्लियर होगा। इनलैंड वाटरवेज एज द नेम सजेस्ट, इनलैंड यानी कि जो हमारी लैंड है, जो कंट्री है, कॉन्टिनेंट है, उसके अंदर जो वाटरवेज है उनको हम कहते हैं इनलैंड वाटरवेज। और जो सी एंड ओशनिक रूट्स है, जब हमें एक कंट्री से दूसरे कंट्री या एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक सामान भेजना है तो हम सी एंड ओशनिक रूट्स का यूज करते हैं, विच आर कनेक्टेड थ्रू पोर्ट्स। पोर्ट्स क्या होते हैं? ऐसी जगह जहाँ से जो शिप्स हैं, जो बोट्स हैं, वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक जाती है और दूसरे कंट्री से आती है सामान लेके, ऐसी जगहों को हम पोर्ट्स कहते हैं। और हर कॉन्टिनेंट के अपने एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स हैं जो मैंने आपको जस्ट अभी बताया है। सो आई होप विद दिस वी कंप्लीट थ्री मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, रोडवेज, रेलवेज एंड वाटरवेज। एंड अब हम अपने लास्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, दैट इज एयरवेज। तो एयरवेज इज द फास्टेस्ट एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये बहुत फास्टेस्ट होता है और एक्सपेंसिव क्यों होता है? क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा पेट्रोल एंड डीजल की ज़रूरत होती है एयरवेज के जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं एक जगह से दूसरे जगह तक पहुँचने के लिए, एंड ये बहुत फास्टेस्ट होते हैं। इनफैक्ट जो बहुत रिमोट एरियाज हैं या बहुत डिस्टेंट एरियाज हैं, जहाँ पे रोड्स नहीं है, जहाँ पे रेल्स नहीं है, रेलवे नहीं है, वहाँ पे भी हम एयरवेज तक पहुँच सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे जयपुर से लद्दाख जाना हो, लद्दाख विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट प्लेसेस जहाँ पे ट्रेन नहीं चलती, वो मैं बहुत जल्दी एरोप्लेन के थ्रू लद्दाख तक पहुँच सकती हूँ। इनफैक्ट ये बहुत फास्टेस्ट रूट्स होते हैं। तो अगर मैं दिल्ली से अगर मैं जयपुर तक आना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दिल्ली से जयपुर बाय रोड आती हूँ, तो मुझे कुछ 5 to 6 hours लगेंगे डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड, किस स्पीड पे गाड़ी चल रही है। वहीं अगर मैं ट्रेन के थ्रू दिल्ली से जयपुर आना चाहूँ तो ट्रेन से कुछ 5.5 hours लगते हैं, 5 to 6 hours। बट अगर मैं प्लेन के थ्रू वाया एयर अगर मैं दिल्ली से जयपुर आना चाहूँ तो मैं विद इन 1/2 hour पहुँच सकती हूँ। दैट्स हाउ फास्टेस्ट एयरवेज आर। दे आर वेरी एक्सपेंसिव। जो प्लेन का टिकट है वो बहुत महंगा आएगा क्योंकि बहुत फ्यूल्स लगते हैं, बहुत डीजल एंड पेट्रोल लगता है प्लेन को उड़ाने में। अब
हेलीकॉप्टर्स, हमने अभी तक बात की एरोप्लेन की, जहाँ से हम एक जगह से दूसरे जगह तक पहुँच सकते हैं। आई होप आप बहुत से लोग प्लेन में बैठे भी होंगे। बट एक और टाइप का एयरवेज का मीन्स ऑफ मोड है, दैट इज हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर क्यों यूज होते हैं? जो बहुत ही इनएक्सेसिबल एरियाज हैं, जहाँ पे हम रोड या फिर रेलवे से नहीं पहुँच सकते, या फिर कहीं कोई ऐसा एरिया जहाँ पे नेचुरल डिजास्टर आए हुए हों, नेचुरल कैलामिटीज आ गई हों, जैसे कि अर्थक्वेक या फिर फ्लड्स आ गए हों, और ऐसी जगहों पे जो लोग फंस जाते हैं, उन लोगों को वहां से रेस्क्यू करने के लिए, यानी कि वहां से इवैक्यूएट करने के लिए, वहां से निकालने के लिए, और उन्हें कोई सेफ जगहों पर रखने के लिए, लाने के लिए हेलीकॉप्टर्स का यूज होता है। आजकल बहुत फ्लड्स बहुत कॉमन है, उत्तराखंड में फ्लड्स आ जाते हैं, बिहार में फ्लड्स आ जाते हैं। ऐसे टाइम पे जो है, जो हमारे जो डिफेंस सर्विसेज है, यानी कि इंडियन आर्मी जो है या इंडियन एयरफोर्स जो है, वो हेलीकॉप्टर्स के थ्रू ऐसी जगहों पे जाते हैं और लोगों को रेस्क्यू करते हैं। सो दैट्स वाई हेलीकॉप्टर्स आर यूज्ड। अब एक बहुत बड़ा बैरियर होता है एयरवेज में, दैट इज वेदर। अगर वेदर थोड़ा सा भी बिगड़ जाए, बहुत ज़्यादा तेज बारिश होने लग जाए, या आंधी तूफान आ रहा हो, या फिर फॉग हो, धुंध हो आसमान में, तो ये एयरवेज के लिए बहुत बड़ा बैरियर होता है। और ऐसी वेदर कंडीशन में यूजुअली जो प्लेन्स हैं वो नहीं उड़ पाते, इवन हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो नहीं उड़ पाते हैं। सो बैड वेदर इज़ अ वेरी बिग बैरियर, बहुत बड़ा ये ऑब्स्टेकल होता है एयरवेज में। अब हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट्स की। तो पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे एयरपोर्ट्स हैं थ्रू विच वी आर कनेक्टेड, वी कैन ट्रैवल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, या फिर वन सिटी टू अनदर सिटी। और ये इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट्स जहाँ पे ये एरोप्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स जहाँ से उड़ते हैं, उन जगहों को हम एयरपोर्ट्स कहते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। और ऐसे ही कुछ इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं, दिल्ली एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, न्यूयॉर्क एयरपोर्ट, लंदन का एयरपोर्ट एंड पेरिस का एयरपोर्ट। ऑफ कोर्स बहुत सारे एयरपोर्ट्स ऐसे हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, बट दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क के वाले एयरपोर्ट के नाम आप याद कर सकते हैं। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड ऑल द फोर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। कौन कौन से? रोडवेज, वाटरवेज, रेलवेज एंड एयरवेज। उससे पहले हमने सेटलमेंट पढ़ा था, और जैसे कि हमारा टाइटल है चैप्टर का ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, तो हमने सेटलमेंट एंड ट्रांसपोर्ट पूरा अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। एंड नाउ वी कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन क्या होता है? ये टर्म बहुत पॉपुलर है, आई एम श्योर आपने सुना ही होगा, बट हो सकता है आपने वर्ड सुना तो है बट मीनिंग नहीं पता हो। तो कम्युनिकेशन क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू विद द हेल्प ऑफ सम वेरी डे टू डे एग्जाम्पल्स। तो क्या होता है, सपोज आपकी मम्मी कोई दूसरे रूम में है और आप किसी दूसरे रूम में है, मम्मी की बहुत जोर से आवाज आई, अरे वो गैस बंद कर देना, वो जो किचन में जो गैस चल रही है ना वो बंद कर देना, दूध की जो गैस है वो बंद कर दो, कहीं दूध फन ना जाए। या फिर हो सकता है आपके स्कूल में जो आपकी जो क्लास में आप बैठते हो, या फिर जैसे कि आपकी जो टीचर है, यानी कि अभी जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये भी, ये सब एग्जाम्पल्स इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन क्या होता है, कन्वेइंग मैसेजेस टू अदर्स, यानी कि जब हम अपनी कोई बात किसी को बताते हैं, जब हम कोई इंफॉर्मेशन किसी से शेयर करते हैं, तो दैट इज बेसिकली कन्वेइंग मैसेज। हम एक बात किसी दूसरे को बता रहे हैं तो उसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन। तो जब मम्मी ने आपको गैस बंद करने के लिए कहा, या फिर मम्मी ने कहा आज एग्जाम है, बहुत अच्छे से ध्यान से एग्जाम देना, वो भी एक टाइप का कम्युनिकेशन है। जैसे मैं अपने घर में बैठ के आपको ये पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो ये भी एक काइंड ऑफ कम्युनिकेशन है, बिकॉज मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ, मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ। वही आई एम श्योर आपके घर में ऑलमोस्ट रात के 9 बजे टीवी चलता होगा, और टीवी पे आपके मम्मी या पापा न्यूज चैनल देखते होंगे, जहाँ पे जो न्यूज एंकर है पूरे देश में क्या हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है, वो न्यूज देते हैं। आज यहाँ पे बाढ़ आई, आज यहाँ पे ये हुआ,
आज वहां पे ये हुआ, आज प्रधानमंत्री ने रेड फोर्ट से ये सब बोला, आज नया बिल पास हुआ है लोकसभा में या राज्यसभा में, ये सारी जो इंफॉर्मेशन हमें किसी भी मीडियम से जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, या तो हम फेस टू फेस किसी से इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, या फिर हो सकता है वर्चुअली जैसे मैं आप लोगों को अभी पढ़ा रही हूँ इंफॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ, या फिर टीवी के थ्रू या रेडियो के थ्रू जो इंफॉर्मेशन हमें शेयर होती है, ये सब कम्युनिकेशन कहलाता है। सो कम्युनिकेशन इज बेसिकली कन्वेइंग मैसेजेस टू अदर्स, कन्वेइंग सम इंफॉर्मेशन टू अदर पीपल इज बेसिकली कम्युनिकेशन। तो आई होप आपको ये टर्म विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स एकदम क्लियर होगा। ये टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जब हुआ, जब एडवांस टेक्नोलॉजीज आने लगी, जब नई नई टेक्नोलॉजी आने लगी, तो नए नए और फास्टेस्ट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन आने लगे, न्यू एंड फास्ट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। यानी कि आज हम इतना फास्टेस्ट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन हो गया है, और उसका ये जीता जाता एग्जाम्पल ये है, मैं आपको अपने घर से बैठ के पढ़ा रही हूँ, एंड यू आर स्टडिंग फ्रॉम द कम्फर्ट ऑफ योर हाउस विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो कितना फास्ट हो गया। पहले के टाइम पे लोगों को अगर कोई कम्युनिकेशन करनी होती थी तो वो कोई चिट्ठियां लिखते थे, दे यूज टू राइट लेटर्स, फिर वो लेटर्स पोस्ट करते थे, फिर वो एक या आधे महीने बाद जिसको लिखा है वो जाके उनको लेटर मिलता था। तो ये बहुत लॉन्ग प्रोसीजर था, बहुत दिनों दिन लग जाते थे। बट आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है कि जो कम्युनिकेशन है वो बहुत फास्ट होने लग गया है, और जिसके कारण एक इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन आ गया है। इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन कैसे आया? आज जो इंफॉर्मेशन है पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है, वर्ल्ड में क्या लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं, हमारी कंट्री में क्या चल रहा है, हमारी सिटी में क्या चल रहा है, आज ये फास्टेस्ट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं जिनसे हमें बहुत जल्दी ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो एक इंफॉर्मेशन हर जगह से इंफॉर्मेशन लेने के, इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के इतने सारे मीडियम्स हो गए हैं, एक काइंड ऑफ रेवोल्यूशन आ गया है इंफॉर्मेशन का। हम जहाँ चाहे वहाँ से इंफॉर्मेशन जो है ले सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी न्यू एंड फास्टेस्ट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन केम, एंड विद दिस न्यू एंड फास्टेस्ट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन केम इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन। अब ये जो कम्युनिकेशन करने के ये कुछ ऐसे मोड्स होते हैं, ऐसे तरीके होते हैं जिनसे क्या होता है, जो कम्युनिकेशन है, जो इंफॉर्मेशन है, वो एक ही टाइम पे बहुत सारे लोगों तक कम्युनिकेट हो जाती है। यानी कि बहुत बड़े ग्रुप तक, बहुत मासेस तक जो है इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी कम्युनिकेट हो जाती है। इन मोड्स को हम कहते हैं मास मीडिया। एज द नेम सजेस्ट, जो ये मीडिया है, जो इंफॉर्मेशन है, दे रीच टू मासेस, यानी बड़े बड़े ग्रुप तक जो है ये मासेस, ये जो इंफॉर्मेशन है, इट रीचेज आउट टू मासेस ऑफ पीपल। एंड ऐसे मोड्स को या जिन मीडियम से ये जो इंफॉर्मेशन है ये लोगों तक पहुंच रही है, दैट इज नोन एज मास मीडिया। अब ये मास मीडिया क्या होता है? वन इज रेडियो। आपके घर में रेडियो होगा, इनफैक्ट बहुत सारे घरों में, पूरे आपके कॉलोनी में, आपके दोस्तों में, आपके क्लास में जितने लोग हैं, आपके फ्रेंड्स के, आपकी फैमिली में, हर घर में ऑलमोस्ट एक रेडियो होता है। तो रेडियो इज ऑल्सो वन ऑफ द फास्टेस्ट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, जहाँ पे जो आरजे होता है, जो रेडियो जॉकी होता है, वो एक इंफॉर्मेशन होता है एंड हर घरों तक वो इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। अदर मोड ऑफ मास मीडिया इज न्यूज़पेपर। आई एम श्योर आपके घर में रोज न्यूज़पेपर आता है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स रोज सुबह न्यूज़पेपर लेके बैठ जाते हैं। न्यूज़पेपर में पूरे कंट्री, पूरे सिटी में क्या हो रहा है, कंट्री में क्या हो रहा है, या इवन पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में क्या हो रहा है, हर टाइप की न्यूज़ होती है। एंड वो न्यूज़पेपर कितना, इट्स अराउंड 10 to 15 पेजेस का एक न्यूज़पेपर होता है, विच इज ओवरलोडेड विद इंफॉर्मेशन। तो एक न्यूज़पेपर होता है एंड पूरे सिटी में, पूरे गांव में सारी खबर पहुंच जाती है। ऐसे ही टेलीविजन होता है, टेलीविजन में जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं, जो एडवर्टीजमेंट होते हैं, उसके थ्रू पूरे कंट्री तक बात पहुंच जाती है, पूरे कंट्री तक खबर पहुंच जाती है कि देश और विदेश में क्या चल रहा है। एंड आजकल एक बहुत नया फास्टेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, दैट इज इंटरनेट, और जिसके थ्रू ही आप ये मेरा वीडियो देख रहे हो। सो आज इंटरनेट के थ्रू हम एक ईमेल भेजते हैं, हम एक मैसेज पे क्लिक करते हैं
और जो कोई भी इंसान नो मैटर वर्ल्ड के किस कोने में हो वहां तक उन तक मैसेज पहुंच जाते हैं। तो आप यहाँ इंडिया में बैठे बैठे, आप अमेरिका में आपका कोई रिलेटिव रह रहा है या कोई दोस्त रह रहा है तो उसको मैसेज भेज सकते हैं, एंड दैट ऑल इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। हो सकता है आप अभी किसी दूसरी कंट्री में बैठ के मेरा ये वीडियो देख रहे हो, मैं इंडिया से राजस्थान के स्टेट से आपको ये वीडियो बना रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, और आप हो सकता है कश्मीर में बैठ के वीडियो देख रहे हो, या केरला में बैठ के वीडियो देख रहे हो, या असम या नागालैंड में बैठ के वीडियो देख रहे हो। विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट आज हमारा जो कम्युनिकेशन है वो बहुत फास्ट हो गया है। विद द हेल्प ऑफ वन क्लिक our lives can completely change, our communication can just happen with the help of just one single click. अब communication में जो help करवाते हैं वो दो चीजें होती है, एक satellite और एक internet. इंटरनेट का तो हमने थोड़ा बहुत अभी पढ़ा, email वगैरह में थोड़ा समझा, but अब हम और detail में पढ़ेंगे, but पहले हम समझेंगे satellites. So satellites जो है वो space में होती हैं और इनसे जो है कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हो जाता है। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ और आपको बहुत जल्दी आ भी जाएगा। जब कभी बारिश हो रही होती है और आपके घर में जो डिश टीवी जो डिश सेट टॉप बॉक्स होता है, जब कभी बारिश होती है तो टीवी के चैनल आना बंद हो जाते हैं, एकदम से चले जाते हैं, और टीवी पे लिखा आता है हो सकता है आपके आस पास के एरिया में बारिश हो रही है जिससे सिग्नल नहीं आ पा रहे हैं। ये सिग्नल कहाँ से आते हैं? ये सिग्नल आते हैं सैटेलाइट से, जो कि होती है स्पेस में, यानी कि अर्थ के बाहर जो सैटेलाइट्स हैं वहां से रेडियो वेव्स आती है, वहां से सिग्नल्स आते हैं अलग अलग टाइप के, जिससे कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हो जाती है। किस टाइप की कम्युनिकेशन? तो वेदर फॉरकास्ट हम सैटेलाइट के थ्रू कर सकते हैं, हम डिजास्टर वार्निंग जो है यानी कि ओडिशा में इस दिन पे बाढ़ आने वाली है, साइक्लोन आने वाला है और पूरे गांव को खाली करवाना पड़ेगा, ये जो इस टाइप की जो इंफॉर्मेशन होती है, या जो वेदर फॉरकास्ट होते हैं कि आज यहाँ पे इतनी बारिश होगी, आज क्रिकेट के मैच में बारिश होगी या धूप निकली भी रहेगी, ये जितनी भी टाइप की इंफॉर्मेशन होती है ये कैसे आती है? विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स, जहाँ से सिग्नल्स आते हैं और हम इंडिया अर्थ पे बैठ के सिग्नल्स इंटरप्रेट करते हैं, हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये सिग्नल्स का क्या मीनिंग है, एंड हम अकॉर्डिंगली कम्युनिकेट करते हैं, अकॉर्डिंगली कम्युनिकेशन होता है। सो सैटेलाइट्स आर ऑल्सो अ मीन्स ऑफ फैसिलिटेटिंग फास्टर कम्युनिकेशन। अब बात आती है इंटरनेट की। इंटरनेट के बारे में हम थोड़ा तो पढ़े थे अभी, ईमेल क्या होते हैं, कैसे इंटरनेट वर्क करता है, कितनी हमारी जो लाइफ है बहुत फास्ट हो गई है, बट इंटरनेट होता क्या है? तो आई एम श्योर आपने कंप्यूटर में क्लास 6 और इवन क्लास 7 में आप पढ़ रहे होंगे इंटरनेट क्या होता है। तो जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स जब कनेक्टेड होते हैं और कनेक्ट होने के बाद जब वो इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं अक्रॉस द ग्लोब, इंटरैक्ट करते हैं, तो उसे कहते हैं इंटरनेट। कैसे इंटरैक्ट करते हैं? ईमेल के थ्रू इंटरैक्ट कर सकते हैं, मैसेजेस के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज एक हम व्हाट्सएप भेजते हैं और पूरे वर्ल्ड में कोई भी कहां पर भी हो, वेदर हमारा कोई रिलेटिव अमेरिका में हो या हांगकांग में हो या अफ्रीका में हो, हम कहीं भी मैसेजेस भेज सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। हम कहीं भी ईमेल भेज सकते हैं, हम कहीं से भी कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, जैसे कि मैं ये पूरे चैप्टर की इंफॉर्मेशन अभी आपको शेयर कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ और आप ये कैसे देख रहे हैं, ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। अब इंटरनेट के कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं, हम घर बैठे बैठे किसी भी टाइप के टिकट्स बुक कर सकते हैं, हम प्लेन के टिकट बुक कर सकते हैं, हम ट्रेन के टिकट बुक कर सकते हैं, हम बस की टिकट भी बुक कर सकते हैं। इनफैक्ट हमारे आसपास जो थिएटर हैं, जो सिनेमा हॉल्स हैं, हम मूवी टिकट्स भी इंटरनेट के थ्रू बुक कर सकते हैं। इनफैक्ट हम घर बैठे बैठे आज इंटरनेट के थ्रू शॉपिंग कर सकते हैं, हम अपनी बैंकिंग पूरी कर सकते हैं, हम पैसे ट्रांजैक्शन पूरे एक बैंक से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये जो ट्रांसफर है ये मनी ट्रांजैक्शन है, ये जो ई बैंकिंग है, ई शॉपिंग है, और ये जो हम टिकट्स बुक करते हैं, ये सारी चीज़ें हम किसके थ्रू बुक करते हैं? हम इंटरनेट के हेल्प से ये सारी चीज़ें, ये सारी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं।
सो दैट वॉज ऑल इन दिस चैप्टर. हमने पहले पढ़ा सेटलमेंट्स क्या होते हैं, कितने टाइप के सेटलमेंट्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट का क्या मीनिंग होता है, कितने टाइप के, कितने मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं. फिर हमने सारे मोड्स वन बाय वन पढ़े. हमने पढ़ा रोडवेज, फिर हमने पढ़ा रेलवेज, सी वे वाटरवेज, और फिर हमने पढ़ा एयरवेज. तो हमने सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी कवर किए. फिर हमने समझा कम्युनिकेशन क्या होता है और कैसे कम्युनिकेशन आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू, आजकल इंटरनेट एंड सैटेलाइट्स के थ्रू पॉसिबल है. कम्युनिकेशन क्या होता है, एवरीथिंग रिलेटेड टू सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, हमने सब इस चैप्टर में कवर कर लिया. अब मैं बात करती हूँ अन अकेडमी के फ्री स्पेशल क्लास फीचर्स की. तो अगर आप अन अकेडमी के फ्री स्पेशल क्लासेस लेते हैं तो आपको क्या क्या फीचर्स मिलेंगे, वो सब आपके स्क्रीन पे हैं. तो यू गेट टू लर्न लाइव इन रियल टाइम, यू गेट टू इंटरैक्ट विद द एजुकेटर. यहाँ पे क्या है, मैंने वीडियो बना रखा है और आप ये वीडियो देख रहे हैं. बट अगर आप अन अकेडमी की फ्री स्पेशल क्लासेस लेते हैं तो वहाँ पे आपको रियल टाइम पे, जैसे आपकी फिजिकल क्लासरूम्स होते हैं स्कूल में, जैसे आप टीचर से इंटरैक्ट कर सकते हो, वैसे ही वहाँ अगर आप अन अकेडमी का फ्री स्पेशल क्लास फीचर्स लेते हो तो आप टीचर से इंटरैक्ट कर सकते हो. टीचर्स आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, आप उसके आंसर्स दे सकते हो. आप टीचर से क्वेश्चंस पूछ सकते हो, आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है इन बिटवीन द चैप्टर तो आप पूछ सकते हैं. प्लस एक पोल लीडर वोट होता है जिससे पता चलता है कि आपने जो आंसर्स दिए हैं टीचर के क्वेश्चंस के वो कितने सही हैं, या आपके साथ जो आपके फ्रेंड वो क्लास अटेंड कर रहे हैं तो उन्होंने कितने आंसर सही दिए हैं, कितने गलत दिए हैं, ये सारी चीज़ें अन अकेडमी की प्री स्पेशल क्लास पे ये सारे फीचर्स आपको अवेलेबल हैं. अब अगर मैं अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन फीचर्स की बात करूं कि अगर आप अन अकेडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या फीचर्स मिलते हैं, तो आपको इतने सारे फीचर्स मिलते हैं. You get to learn live from the comfort of your house. आप घर बैठे बैठे कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी कोर्स, कोई भी चैप्टर कवर कर सकते हैं. आपके प्रैक्टिस टेस्ट होंगे, आपके लाइव टेस्ट होंगे. आप यू गेट टू लर्न फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया, बेस्ट एजुकेटर्स ऑफ इंडिया. आपके रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, यानी कि आप रेगुलरली आपके जो भी अकेडमिक डाउट्स हैं आप वो एजुकेटर से पूछ सकते हैं. आपका पूरा सिलेबस जो है, आपके सारे चैप्टर्स, आपका जो भी सब्जेक्ट है उसका पूरा सिलेबस बहुत एग्जॉस्टिव तरीके से कवर कराया जाएगा. आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, यानी कि आपको जो पढ़ने का जो मटेरियल है वो दिया जाएगा. देयर विल बी मेंटर्स विल बी गाइडिंग यू कि कैसे चैप्टर पढ़ना है, कैसे चैप्टर्स को कवर करना है. मैं फीचर्स और बेनिफिट्स अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन के बताते बताते थक जाऊंगी, बट बेनिफिट्स और फीचर्स खत्म नहीं होंगे. आप किस चीज का वेट कर रहे हो, प्लीज अभी जाके सब्सक्राइब करो. जस्ट सब्सक्राइब टू द अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शंस राइट नाउ. और सब्सक्रिप्शन के प्राइजेस क्या है, तो प्राइजेस आपके स्क्रीन पे है. अलग अलग पैकेजेस होते हैं, 12 मंथ के पैकेजेस हैं, 8 मंथ के पैकेजेस हैं, 15 मंथ, 12 मंथ, 6 मंथ के पैकेजेस हैं. सबके रेट दिए हुए हैं. और अगर आप एकदम इस साइड कॉर्नर पे देखोगे स्क्रीन पे तो आपको दिख रहे हैं वही रेट 10% डिस्काउंट के बाद. अभी 10% डिस्काउंट कैसे होगा, तो जैसे मैंने बताया था, अगर आप मेरा कोड यूज करते हो PJAIN10 और किसी भी कोर्स को, किसी भी सब्जेक्ट जो भी आप पढ़ना चाहते हो, किसी भी पैकेज पे जो भी आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, आप जहां भी ये कोड यूज करोगे आपको सीधा सीधा 10% डिस्काउंट मिलेगा. यार आप किस चीज का वेट कर रहे हो, आप इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी कैसे अपने हाथ से जाने दे सकते हो. सो अभी के अभी यू नो सब्सक्राइब टू द अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन राइट नाउ. इतने रीजनेबल प्राइसेस, इतने नॉमिनल प्राइसेस और कहां मिलेंगे आपको. अब मैं बात करूंगी अन अकेडमी के सब आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की. अभी तो हम नॉर्मल सब्सक्रिप्शन की बात कर रहे थे, अब मैं बात करूंगी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की. तो क्या होता है, अगर मुझे दिल्ली से बॉम्बे जाना है प्लेन में, तो प्लेन में होता है एक तो बिजनेस क्लास और एक होती है जनरल इकोनॉमिक क्लास. अब जो बिजनेस क्लास के लोग हैं, जाना सबको वही है दिल्ली से बॉम्बे, डेस्टिनेशन एक है, बट बिजनेस क्लास वालों की थोड़ी सीट और कंफर्टेबल होगी, थोड़ी उनकी लग्जरी ज्यादा होगी, थोड़ी कंफर्ट वहां पे ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द अदर क्लास इन द प्लेन.
तो वैसे ही जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है ना यार, थोड़े से आपको बेनिफिट्स और ज्यादा मिलेंगे, थोड़े नहीं बल्कि बहुत सारे बेनिफिट्स आपको कंपेयर टू नॉर्मल सब्सक्रिप्शन से बहुत सारे बेनिफिट्स ज्यादा मिलेंगे। ये क्या बेनिफिट्स है? आपको एक पर्सनल मेंटोर मिलेगा, यानी कि ऐसा मेंटोर जो आपको पर्सनली एक फ्रेंड के जैसे आपको गाइड करेगा, आपको पूरा सिलेबस कवर करने में हेल्प करेगा। देन देयर विल बी लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, जहाँ पे आप लाइव टीचर से पूछ सकते हो अपने कोई भी एकेडमिक डाउट किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड। आपको वीकली रिपोर्ट्स मिलेंगी, यानी कि हर वीक आपने कितना इम्प्रूव किया, आपकी क्या प्रोग्रेस है, इसकी पूरी एक डिटेल्ड एनालिसिस की आपको रिपोर्ट्स मिलेंगी। प्लस एक पेरेंट टीचर मीटिंग भी इस वर्चुअल सेटिंग में हो सकता है, जहाँ पे जो एजुकेटर्स हैं वो आपके पेरेंट्स से, या आपके अगर आप कोई पेरेंट ही ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके बच्चों की प्रोग्रेस रिपोर्ट बताएंगे कि कैसे आपका जो स्टूडेंट है, या कैसे आप लोग जो सेवेंथ के बच्चे मेरा ये वीडियो देख रहे हो, कैसे आप लोग इम्प्रूव कर रहे हो और इम्प्रूव कैसे कर सकते हो, पेरेंट्स को क्या रोल प्ले करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उस पेरेंट एंड एजुकेटर कनेक्ट में होगी। प्लस एक स्टडी प्लानर आपको अच्छे से मिलेगा, जो ये बताएगा कि पूरे अक्रॉस द मंथ, अक्रॉस द वीक आपको कैसे और कौन से चैप्टर्स कवर करने हैं, जिससे आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, कवर हो जाए। मैं तो यहाँ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स और फीचर्स बताते बताते ही थक चुकी हूँ। आपको क्या करना है, आपको सीधा सब्सक्राइब करना है। जो प्राइसेज है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के वो स्क्रीन पे है। अगेन अलग अलग पैकेजेस हैं, 24 मंथ, 18 मंथ, 15 मंथ, 12 मंथ, 6 मंथ, सारे पैकेजेस के सारे प्राइसेस आपको दिए हुए हैं। अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो 10% डिस्काउंट पे आपको कौन से प्राइस मिलेंगे। अगर आप 10% यूज नहीं करते हैं तो 24 मंथ का 2000 पर मंथ आपको लगेगा। वहीं अगर आप मेरा कोड यूज कर लेते हैं तो 24 मंथ्स का आपका सिर्फ 1800 ही पर मंथ लगेगा। तो इतना रीजनेबल, इतने सारे बेनिफिट्स और कहाँ मिलेंगे यार आपको। तो आप जल्दी से जल्दी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी का अभी से अभी अपने एनरोल कीजिए, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लीजिए और आपको विद इन वीक्स अपने रिजल्ट्स जो है इम्प्रूव होते हुए दिखेंगे। आप यू विल बी द बेस्ट इन योर क्लास बिकॉज योर नॉलेज वुड बी द बेस्ट बिकॉज यू विल बी लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट एजुकेटर्स। तो बेनिफिट्स बहुत हैं, सारे फीचर्स मैंने इतने सारे आपको बता दिया, मैं तो ये फीचर्स बताते बताते थक गई हूँ। प्लीज आपको जो करना है वो है, आपको सिर्फ एक काम करना है, दैट इज सब्सक्रिप्शन लेना है। नॉर्मल सब्सक्रिप्शन, प्लस सब्सक्रिप्शन या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप कोई भी ले सकते हैं। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू यूज माय कोड PJAIN10 जो स्क्रीन के नीचे की तरफ दिया हुआ है, बिकॉज उससे आपको सीधा सीधा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। सो दैट वॉज ऑल इन दिस चैप्टर। प्लीज लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। अगर आपकी कोई डाउट्स हैं, आपको कुछ चैप्टर में समझ नहीं आया, तो प्लीज ड्रॉप देम डाउन इन द कॉमेंट बॉक्सेस। आई विल बी हैप्पी टू यू नो क्लियर ऑल ऑफ योर डाउट्स। आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, बिकॉज जब आप लाइक करते हैं तो हम जैसे एजुकेटर्स को बहुत मोटिवेशन मिलता है टू ब्रिंग द बेस्ट टू यू, टू ब्रिंग द बेस्ट कंटेंट टू यू, टू एक्सप्लेन द चैप्टर इन द बेस्ट पॉसिबल वे। प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ये वीडियो अपने फ्रेंड्स में, सो दैट इवन दे कैन बेनिफिट, एंड सब्सक्राइब टू द अनअकैडमी चैनल, हिट द बेल आइकन ताकि आपको सारे जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं, जो नोटिफिकेशन हैं अनअकैडमी के, वो एकदम जल्दी सबसे पहले मिल सके, सो दैट यू कैन ग्रैब द अपॉर्चुनिटीज एट द अर्लीस्ट। सो लेट्स क्रैक ऑल द एग्जाम टुगेदर, यू एंड वी कैन क्रैक एनी एग्जाम, सो लेट्स क्रैक इट विद अनअकैडमी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप यू लाइक द वीडियो।